Please put your hands together and let me introduce to you Anant Ambani. पहले तो मैं पर्सनल बात करूंगा जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए बट मेरे ही बच्चों जैसे हैं तो मैं बात कर सकता हूं इससे कि यार व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप सब लोग जो हैं जामनगर में रिलायंस में जियो में अनंत से मिल चुके हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिजिकल वन विच मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर बट इट स्टिल इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीट दैट इज अचीव तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंस्पायरिंग है सो वेरी वेरी वेल डन गॉड ब्लेस यू थैंक यू और तुम मुझे बताओ यार तुमने ऐसा सब सोच वोच कर कैसे किया ये सब यार क्यों किया नहीं नहीं मैंने तो अपनी हेल्थ को लाइन पर ले आने किया और कुछ नहीं है सिंपल सी बात है लाइन पे लाना है अपने को हेल्थ को तो मैंने कर लिया तुम जो लाइन पर लेकर आए हो ना उससे जियो को भी बड़ी तकलीफ है मुझे भी बहुत तकलीफ है क्योंकि जो हमारा जियो का डेटा पैक है और जो मेरा सिक्स पैक है तुम्हारे पैक के सामने अब छोटा लगने लगा है यार नहीं नहीं आप फिक्र मत करिए मैं आपका इंडस्ट्री में नहीं आ रहा हूँ मैं यहीं हूँ रिलायंस परिवार के साथ थैंक गॉड रणबीर सुन रहा है तू देख रहे हो तुम लोग कितना अच्छा बच्चा है कंपटीशन में नहीं आ रहा है लेकिन तुम लोग पंगा ले जाते ओके जोक्स अपार्ट आई वांट टू टेल सीरियसली मैं इसको बचपन से जानता हूं और जितने लोग आप लोग इसके साथ मिलते होंगे जब भी आप बात करते होंगे वन थिंग दैट हैज आई हैव नेवर मेट धीरू भाई अंबानी जी बट सब लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा जो बातचीत का तरीका है लोगों से तुम जो लगाव रखते हो प्यार रखते हो प्रेम रखते हो एवरीबडी In the Reliance family feels you are going to be the next Dhirubhai Ambani ji. तो ये कोई pressure है ऐसा feeling तुम्हें क्या लगता है नहीं 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 ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी अगर Reliance परिवार का आशीर्वाद रहे मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहे तो मैं एक दिन वो भी करके दिखाऊंगा I'll surely try to make the Reliance family and my family proud. Inshallah, well done. और ये जरूर करेगा यार मुझे ना एक छोटा सा किस्सा मालूम है इसके बचपन का ये धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक दिन मरीन ड्राइव पे जा रहा था अपनी मम्मी के साथ और धीरू भाई जी के साथ और वहाँ पे ना गुब्बारे बिक रहे थे तो इसको दादाजी ने हमेशा बाहर ले जाके कहा ये गुब्बारे ले लो तो 15 रुपए के इसने गुब्बारे खरीदे 15 रुपए के 10-12 कुछ गुब्बारे खरीदे कुछ सालों पहले जब छोटा सा था 6 साल का था 6 ईयर्स ओके सो मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है मुझे सब के बारे में सब कुछ मालूम है अच्छा अच्छा डॉन की नजर सबके ऊपर है मैं अभी क्या बोलूं मैं ना अभी ये शर्मा जाएगा तू ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था जब से जानता हूं मैं तेरे को तो मुझको डोंट लेट मी एक्सपोज यू मे बी आपके बहुत सारे चीज जानता हूं तूने मुझे शॉर्ट्स में देखा है उससे कई ज्यादा वो मोमेंट ऑफ वीकनेस था अनंत प्लीज डोंट टेल इट सो ये 6 साल का था और इसने गुब्बारे खरीदे 15 रुपए के फिर ये घर गए और इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये 15 रुपए के जो गुब्बारे हैं ये थोड़े से महंगे लगे इनको इनका दिमाग जो है मैं जैसे मैं बता रहा था कि धीरू भाई अंबानी जी जैसे तो तुमने क्या किया उसके बाद बच्चे क्या करते हैं गुब्बारे लेते हैं उड़ाते हैं खुश होते नाइस तुमने क्या किया उसके बाद मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है तो हवा भर दी और बेचने चला गया पैकेट इसने 2 रुपए की खरीदी लुक एट द अंबानी एंड द रिलायंस माइंड हवा तो फ्री है इसमें डालो 2 रुपए का गुब्बारा 15 रुपए के सो आपका जो कोई फ्यूचर भी छोटा नहीं होता ये आपसे ही सीखा है सुना आप लोगों ने कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता जय रिलायंस एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये मैंने रिलायंस से सीखा था पिक्चर में डाला फिर तुमने सीखा है तुम वापस डाल रहे हो तो हम लोग जो है ऐसे गोल गोल घूम के हम दोनों ही बहुत तरक्की करेंगे बिल्कुल मेरी जो पहली इनकम थी 50 रुपए थी तुम्हारी पहली इनकम क्या थी छोड़ो छोड़ो आपको शर्म आ जाएगा छोड़िए मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसने मुझे शॉर्ट्स में भी देख लिया है मुझे ऐसा शर्मिंदा कर रहा है
But honestly, I love him. He's a sweetheart. And the nicest thing about Anant is genuinely, iska pyar hai. Bezuban janvaron ke saath, pashuon ke saath. And I really believe, jo bhi janvaron se, phool patton se pyar karte hain, wo gentlest or sweetest hote hain. So, really. And inshallah, ye bahut kaam karenge, business karenge, Mukesh bhai inko guide karenge, Neeta bhabhi inko samjhayengi. Aur aap sab, jo pura Reliance ka parivar hai, inke saath rahenge. Lekin to me, the nicest quality is ki inko janvaron, pashuon se bahut pyar hai. How is it ki tum itne sare bezuban janvaron ko itna pyar karte ho, itna dhyan dekhbhal karte ho unki? Jaise aapne kaha, janvar to bezuban hota hai. Hamara kartavya hai ki hum unka khyal kare. I would urge everyone out here to respect animals and treat them with kindness. Anant, tum bahut proud hoge mujhse. मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है घर में मैं उसको घर जाके इतना प्यार करूंगा म्याऊ म्याऊ आप थोड़े और बिल्ली भी ले लीजिए घर पे भाई इतना दूध थोड़ा मिलता है इतने आराम से हम बिल्लियां बिल्लियां लेते रहे वो भी भिजवा दूंगा रिलायंस फ्रेश से तो पे ठीक हो गया अब आप लोग समझ गए ना कि रिलायंस बिल्कुल सही हाथों के अंदर है जो चीज चाहिए हम मुहैया करा देंगे अभी और चीपेस्ट दामों के ऊपर बिल्कुल यंगेस्ट किड इन द फैमिली the sweetest of them all. तुम जो जवान लोग होते हैं आजकल टीवी देखते रहते हैं तुम्हारा टीवी शो सबसे फेवरेट टीवी शो कोई है देखते हो क्या करते हो मैं ऐसे तो टीवी शो देखता नहीं हूँ मगर मेरा फेवरेट टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति है तो that's amazing so is mine yeah KBC knowledge भी आती है शिक्षा भी मिलती है और अमित जी इतनी कमाल से बात करते हैं भाई लॉक कर दिया जाए so we love it चार रीजन बताओ KBC क्यों पसंद है तुम्हें सबके तो एक ही रीजन होते हैं चारों अमित जी अमित जी अमित जी अमित जी यस लेडीज एंड जेंटलमैन केबीसी इज ओनली केबीसी बिकॉज ऑफ अमित जी और आज हम अपनी पोजीशन यहां पर स्टेज पर मिसयूज करेंगे बिकॉज आई एम गोना टेल अनंत अनंत ऐसा करते हैं अमित जी को यहां पर बुलाते हैं और ऑडियंस के साथ आपके साथ सारों के साथ थोड़ा सा केबी खिलाते हैं वो हमको मना नहीं कर सकेंगे हमने उनको फंसा दिया है इज दैट अ गुड आइडिया आप कर सकते हैं मैं तो कुछ भी कर सकता हूं आप करिए लेडीज एंड जेंटलमैन अनंत एंड मी आर गोइंग टू कॉल द ग्रेट आइकॉन द ओनली सुपर डुपर स्टार आवर कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड वी आर गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज और मैं ईशा और आकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ब्रिंग ऑन स्टेज एंड द बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज द लाउडेस्ट नॉइज वी हैव टुनाइट फॉर द वन एंड ओनली श्री अमिताभ बच्चन जी Good evening, sir. Thank you very much, Akash. Isha, Amit ji, थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ी light यहाँ बेहतर है. शुक्रिया. Sir, मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात करना चाहता हूँ. मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं मुकेश भाई से अपना comparison कर रहा हूँ. मुझे मालूम है कि वो गलत है. लेकिन मैं बहुत thankful हूँ कि मुकेश भाई ने film industry join करने का decision नहीं लिया. क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया होता तो वो सुपरस्टार होते मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती रणबीर तू तो वैसी पंगा ले रहा है तू मुझसे यार तेरा तो बड़ा प्रॉब्लम है यार सो मुकेश भाई भी आ जाते तो मैं कुछ कर नहीं सकता अमित जी जस्ट इमेजिन कि मेरी एक फिल्म थी ओम शांति ओम करके एक फिल्म थी मेरी तो उसमें मेरा एक डायलॉग था इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है अब मुकेश भाई अगर मूवी स्टार होते तो वो कैसे बोलते भाई इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर स्टेट में नया प्लांट लगाने की साजिश की है सर मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं मुझे लगता है वो आपको भी थोड़ा सा मतलब चैलेंज कर सकते थे जैसे आपकी फिल्म का डायलॉग है एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जब हम बढ़ रहे थे यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे शायद ना देखी हो लेकिन मेरी उम्र के जो हैं सबने देखी होगी एक फिल्म थी अमित जी की बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी कालिया 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 से सारे बड़ी उम्र वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं वहां से कालिया कालिया कर रहे हैं उसमें एक लाइन थी एंड द लाइन वॉज हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है
अब आप इमेजिन कीजिए अगर मुकेश भाई हीरो होते तो कैसे बोलते हम जहां खड़े हो जाते हैं पाइपलाइन वहीं से शुरू होती है. सो थैंक यू मुकेश भाई फॉर नॉट बीइंग इन फिल्म्स. थैंक यू कोकिला बहन जी फॉर नॉट अलाउइंग हिम टू कम इन टू फिल्म. हमको बचा लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद. अमित जी ये बच्चे हैं, मैं इनको बहुत उम्र से, छोटी उम्र से जानता हूँ, आप भी जानते हैं ऑफकोर्स, और मैंने इन्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस स्कूल में मैं सिखा रहा हूँ उस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जितना सिखा सकता मेरा ख़त्म हो गया सर, अगर आप इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो एजुकेशन है आगे ले जा सकें KBC के जरिए, तो मैं बहुत 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 धन्यवाद कर सकता हूँ आपका. एंड बहन थैंक यू वेरी मच. KBC के लिए तो कुछ सेट वगैरह लगाना पड़ेगा. ओ, सर मैं बड़ा ही, हम रिलायंस के अंदर ना हम बड़े सॉलिड हैं, एक चीज में हर चीज रेडी कर लेते हैं. क्या बात है, एवरीथिंग इज देयर, द सेट इज रेडी. आकाश, ईशा, अनंत, अमित जी गोइंग टू प्ले KBC विद द रिलायंस फैमिली. थैंक यू सो मच सर.